नमस्कार, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल लगातार पल पल छोटी बड़ी खबरों के साथ। रेवसा सीतापुर, प्रेम वाजपेयी की रिपोर्ट। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, आज 11 नवंबर 2019 स्थानीय कस्बा रेवसा के बहरेच रोड की हैं, जो एक झुंड के रूप में काफ़ी एकत्रित हैं लोग। और ये तस्वीरें जो भीड़ है ये प्रदर्शित करती है कि इस जगह पर कोई किसी बात को लेकर ये भीड़ जमा हुई है। वहीं पर आपको हम बता दें, इस YouTube चैनल के माध्यम से अपने इष्ट मित्रों गुरुजनों से कि इस पोस्ट का तात्पर्य है हमारी कि कोई भी, क्योंकि ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें जिससे कि लोगों को कष्ट हो, और अपनी भाषा वाणी पर संयम रखें। और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब जात सूचक के शब्द को लेकर के ये दो पक्ष, दो समुदाय के आपस में भिड़ गए और मामला घटना पर प्रकाश डालते चले कि ये कुशमोहरा निवासी साजिद अपने एक साथी के साथ बाइक पर सवार होकर के रेवसा एक नमक की बोरी खरीदने आया था। वो बहराइच रोड पर किसी दुकानदार के वहाँ से नमक की बोरी खरीदा और उस दुकानदार से बताया कि जात सूचक शब्दों का नाम लेते हुए कि ठलिया वाले का, कि वो आएगा उसको आप लदवा देना। इसी बात पर पड़ोस में खड़े हुए एक रेवसा के स्थानीय कस्बा युवक ने जमकर विरोध किया, और विरोध करने पर विरोध यहां तक हुआ कि हाथापाई भी दोनों में हो गई और वो भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। और भीड़ के द्वारा लोगों को बीच भराव कराया गया, तब मामला शांत हुआ और करीब घंटों हंगामा काटा गया जात सूचक शब्द को लेकर के। और आप देख सकते हैं जिसने इस जात सूचक का इस्तेमाल किया वो, उसके भी बातचीत के अंश हैं, और जिसने विरोध किया उसके भी बातचीत के अंश हैं। क्योंकि इस पोस्ट से हम आप लोगों से एक गुजारिश करेंगे कि और सीख लेंगे कि ऐसी कोई अमर्यादित भाषा और वाणी पोस्ट जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिससे कि लोगों को कष्ट हो। और ये आप आगे पीछे देख करके उसके बाद ही अपनी भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि कहीं भी कोई खड़ा हो सकता है किसी भी बिरादरी का, और वो विरोध कर सकता है और उस इस वजह से उसको महंगा, आप लोगों को महंगा पड़ सकता है। तो ऐसी बातों का और जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जो तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं जात सूचक शब्द को लेकर के दो पक्ष आप समुदाय के आपस में भिड़े, और इस कदर से भिड़े कि दोनों में हाथापाई भी हुई और काफ़ी प्रत्यक्षदर्शियों के भीड़ घटनास्थल पर मौके पर जमा हो गई। और जमा होने के बाद भीड़ के द्वारा मामले को शांत कराया गया, करीब घंटे भर तक जो है हंगामा काटा, लेकिन लोगों की सूझबूझ से मामला शांत हो गया। इस वजह से हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि कोई भी ऐसी भाषा और अमर्यादित भाषा का और पोस्ट का इस्तेमाल ना करें जिससे कि किसी को कष्ट हो सके और कहीं भी कोई खड़ा हो सकता है। और सभी का ध्यान रखें, बोल चाल की भाषा का हमेशा ध्यान रखें। आप लोग ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं, स्थानीय कस्बा रेवसा की हैं, 11 नवंबर 2019 की हैं, स्थानीय कस्बा बहरेच रोड रेवसा की हैं। और ये भीड़ प्रदर्शित करती है कि कोई एक बातचीत हुई है तभी हुआ है, और स्थानीय कस्बा रेवसा की हैं। ये बताइए सरकेशन जी, ये जो भीड़ लगी थी ये किस वजह से लगी थी, क्या हुआ था? ये कह रहा था कि वो चमरवा आएगा तो उसको सामान लगा देगा। किसने कहा? ये मोटरसाइकिल से जो था, मोटरसाइकिल से जो आया तो कहा चमरवा जो आ रहा है उसको सामान लगा, चमरवा से। अच्छा अच्छा, आप उसी जगह थे? हाँ, हम उसी जगह थे। अच्छा, फिर आपने मतलब उसी जगह क्या हुआ, भीड़ काफ़ी लग रही थी? भीड़ का हमने उसको समझाया हूँ कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। ठीक बात है। हाँ, और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, ये जो भीड़ लगी थी इसी बात के ऊपर लगी थी? हाँ, इसी बात के ऊपर। तो हमारे हमारे गांव के चमार भाई चमरवा तो का लदवाई दी हो, ये सब जानते हैं इधर, और उसका नाव ना जानते हैं, तो उसे नाव जाने से उसका नाव लेके बता इधर की फलानी आई है तो लदवाई दी हो। तुम कह रहे हमको नाम है तुम्हारा? राजित विधायक का नाम है साबिर अली। तो इस प्रकार से आप शब्द कैसे कह सकते हो किसी को, अगर तुमको कोई, हाँ तो ठीक किया। Thank you.
धारा 144 लगने के बावजूद भी जो है इस कदर से उड़ रही धज्जियाँ। जात का फैलाव।